हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय हार्ट विद पायल टुडे वी विल लर्न अबाउट कंप्यूटर चैप्टर नंबर थ्री पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर तो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे कंप्यूटर क्या है तो so, कंप्यूटर क्या था कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन इंसान के द्वारा बनाया गया एक मशीन है हम इंसान के जैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसी तरह कंप्यूटर का भी बहुत सारा पार्ट होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन इसके पार्ट्स बहुत हैं बहुत सारे हैं चलिए देख लेते हैं और उनके बारे में सीख भी लेते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है मेन पार्ट्स एडिशनल पार्ट्स ये मेन और बेसिक पार्ट है ये ज़रूर होंगे ये एडिशनल जुड़े हुए हैं नहीं भी होगा तो भी चलेगा मेन पार्ट्स क्या क्या है सीपीयू यू सी पी यू बॉक्स मॉनिटर कीबोर्ड माउस आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सीपीयू ये कंप्यूटर है इसके पास जो ये है सीपीयू यू अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे की बोर्ड माउस मॉनिटर ये सब क्या है कंप्यूटर के मेन पार्ट्स है एडिशनल पार्ट्स और भी क्या क्या होता है स्पीकर्स हेडफोन्स जॉय स्टिक्स प्रिंटर एट्सरा आर एडिशनल पार्ट्स एंड कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स ये सारे सीपीयू बॉक्स से कनेक्टेड रहते हैं एडिशनल पार्ट्स को सीपीयू बॉक्स से कनेक्ट करना पड़ता है तो ये बेसिक पार्ट्स या मेन पार्ट्स क्या, क्या क्या है सीपीयू सीपीयू बॉक्स मॉनिटर कीबोर्ड माउस अब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे इनके काम पढ़ेंगे सबसे पहला सीपीयू सी पी यू क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सी फॉर सेंट्रल पी फॉर प्रोसेसिंग यू फॉर यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज द इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का जैसे इंसान के ब्रेन के बिना दिमाग के बिना वो पागल हो जाता है उसी तरह सीपीयू के बिना कंप्यूटर पागल हो जाएगा क्यों उसी तरह कंप्यूटर भी उल्टा पुलटा काम करने लग जाएगा सीपीयू को क्या कहते हैं सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन सीपी को इट कंट्रोल्स ऑल अदर पर्ट्स एंड हेल्प्स द कंप्यूटर थिंक एंड वर्क ये कंप्यूटर के बाकी सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है एंड हेल्प्स द कंप्यूटर थिंक एंड वर्क सोचने और काम करने में मदद करता है तो कंप्यूटर को सोचने और काम करने में मदद कौन करता है सी जैसे हमारा दिमाग हमारा ब्रेन कुछ भी काम करना है सोचना ये सब कौन करता है हमारा ब्रेन हमारा दिमाग उसी तरह कंप्यूटर का दिमाग होता है ब्रे सीपीयू सीपीयू ये सारा काम करता है सोचना और काम करने का काम सीपीयू का होता है सीपीयू इज फाउंड इनसाइड द बिग बॉक्स कॉल्ड सीपीयू बॉक्स और सिस्टम यूनिट सीपीयू ये तो बड़ा सा बॉक्स होता है कंप्यूटर के पास उसके अंदर ही रहता है सीपीयू सीपीयू इस बॉक्स को सीपीयू बॉक्स कहते हैं या सिस्टम यूनिट तो ये जगह तीनों पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा वेरी इंपॉर्टेंट है मॉनिटर मॉनिटर किसे कहते हैं अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन मॉनिटर टीवी स्क्रीन के तरह ही होता है टीवी जहाँ से हमें पिक्चर दिखते हैं उसी को मॉनिटर कहते हैं टीवी स्क्रीन को टीवी स्क्रीन के जैसा जो दिखता है कंप्यूटर में उसे मॉनिटर कहते हैं इट डिस्प्लेज द वर्क डन ऑन कंप्यूटर ये क्या काम करता है इसका काम क्या है इट डिस्प्लेज मतलब दिखाता है वर्क डन ऑन द कंप्यूटर कंप्यूटर में जो काम हुआ है वो करके दिखाता है यहाँ से हमें दिखता है वी कैन वॉच मूवीज कार्टून एंड प्ले गेम्स ऑन इट हम लोग इसमें क्या कर पाते हैं मूवी देख पाते हैं कार्टून देख पाते हैं गेम्स खेल पाते हैं इसमें तो मॉनिटर क्या हुआ टीवी स्क्रीन के जैसा होता है ये काम को हमें डिस्प्ले करता है दिखाता है कीबोर्ड कंप्यूटर के सामने आपने इतना बड़ा एक चीज देखा ही होगा जिसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं इसे कीबोर्ड कहते हैं कंप्यूटर का ये भी बेसिक पार्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट कीबोर्ड आ कीबोर्ड हैज सेवन स्मॉल बटंस कॉल्ड कीज कीबोर्ड में बहुत सारे छोटे छोटे बटन होते हैं जिसे कीज कहते हैं इट हेल्प्स आस टू टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स बाय प्रेसिंग कीज ये हमें मदद करता है वर्ड और नंबर लिखने में कैसे बाय प्रेसिंग कीज कीज को दबा के प्रेस करके तो हमें अपना नाम टाइप करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे कीबोर्ड के सहारे अपना नाम टाइप करेंगे प्रेसिंग कीज ऑफ अ कीबोर्ड टू राइट ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड टाइपिंग टाइपिंग किसे कहते हैं प्रेसिंग कीज कीज को प्रेस करके कुछ भी लिखने को जैसे अभी हमने बोला कि प्रेस करके अपना नाम लिखेंगे कुछ भी लिखने को बाई प्रेसिंग कीज ऑन कीबोर्ड उसे टाइपिंग कहते हैं देयर आर मोर देन हंड्रेड कीज ऑफ ऑन अ कीबोर्ड हंड्रेड से ज्यादा कीज होते हैं एक की बोर्ड में कितने कीज होते हैं मोर हैज टू बटन्स होते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड में दो बटन्स होते हैं माउस में एंड व्हील होता है एक चक्का होता है बीच में तो कितने बटन्स होते हैं माउस में टू बटन याद रखेंगे कंफ्यूज नहीं होंगे कीबोर्ड कीबोर्ड और माउस के बटन से माउस में सिर्फ टू बटन होते हैं कीबोर्ड में मोर देन वन हंड्रेड होते हैं जिसे कीज़ कहते हैं माउस इट पॉइंटर इसमें पॉइंटर दिखता है ऑन द मॉनिटर मॉनिटर में तो स्क्रीन स्क्रीन में एक पॉइंटर दिखता है दैट मूव्स एज वी मूव द माउस जैसे माउस को हिलाएंगे उसी तरह ये पॉइंटर हिलेगा इसलिए इसे पॉइंटर भी कहते हैं माउस इज यूज टू पॉइंट आइटम्स माउस आइटम्स को पॉइंट करने में मदद करता है सोन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन एंड फॉर ड्राॅइंग एंड पेंटिंग ड्राॅइंग एंड पेंटिंग करने के लिए भी मदद करता है तो ये पॉइंटिंग करना इसका मेन काम है प्रेसिंग ऑफ माउस बटन्स इज कॉल्ड क्लिकिंग माउस के बटन को क्लिक करने से क्लिकिंग कहेंगे कीबोर्ड के बटन्स को क्लिक कर रहे थे तो क्या कहेंगे टाइपिंग माउस के बटन को क्लिक करेंगे तो कहेंगे क्लिकिंग प्रिंटर प्रिंटर का क्या काम होता है इट अस टू प्रिंट द वर्क डन बाय द कंप्यूटर ऑन अ पेपर पिक्चर्स लेटर्स एट्सट्रा प्रिंटर का काम क्या होता है ये प्रिंट करने में मदद करता है जो हमने कंप्यूटर में जो भी काम किया उसे पेपर में निकालने में मदद करता है छपाना प्रिंट प्रिंट द वर्क ऑन अ पेपर स्पीकर्स, स्पीकर्स का क्या काम होता है स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक गाना सुनने में और एनी साउंड प्लेड ऑन द कंप्यूटर कंप्यूटर में और कोई भी आवाज़ अगर प्ले किया जा रहा है उससे सुनने में मदद करता है हमें जब गाना कुछ पूजा कोई पार्टी शादी होती है तो हम स्पीकर देखते हैं जिसमें गाना बजता है दे यूजली कम इन पेयर्स वो जोड़े में रहते हैं पेयर्स मीन्स जोड़े स्पीकर हमेशा जोड़े में रहते हैं हेडफोन हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक और साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स स्पीकर और हेडफोन दोनों ही सुनने में काम आता है यूज टू लिसन म्यूजिक और साउंड स्पीकर्स बजाएंगे तो सबको सुनाई देगा हेडफोन्स क्या होगा? बिना दूसरे को डिस्टर्ब किए अपने आप सिर्फ अकेले सुन पाएंगे जो हेडफोन लगाएगा वही सुन पाएगा आप लोग तो हेडफोन जरूर इस्तेमाल किए होंगे आजकल तो सभी के पास होता है to to सुनने में, और साउंड डिस्टर्बिंग अदर्स तो ये फिलिंग द्लाइस आएगा तो क्या लिखेंगे डिस्टर्बिंग अदर्स वी शुड लिसन टू म्यूजिक ऑन द हेडफोन विथ लो वॉल्यूम अदरवाइज इट मे हम आवर यर ड्राम ये हमारे कान के पर्दे को खराब कर सकता है अगर हम इसे ज़ोर से सुने इसलिए हमें हेडफोन में लो वॉल्यूम में कम आवाज में कम साउंड में सुनना चाहिए जॉयस्टिक, देखिए पिक्चर का नाम है जॉयस्टिक, इट इज यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर और प्लेयर ऑन द मॉनिटर वाइल्ड प्लेइंग गेम्स ऑन अ कंप्यूटर कंप्यूटर कंट्रोल करता है और प्लेयर को गेम्स खेलने में कंप्यूटर में मदद करता है कौन जॉयस्टिक तो जॉयस्टिक का काम क्या है जॉयस्टिक इज यूज टू कंट्रोल द पॉइंटर और प्लेयर ऑन द मॉनिटर वाइल्ड प्लेइंग गेम्स गेम्स खेलते समय तो सब सारे पार्ट्स का पिक्चर याद करेंगे कैसा है और उसके नाम से याद उसके नाम याद करेंगे स्पेलिंग के साथ चलिए तो क्विक रिफ्रेश एक बार कर लेते हैं अ कंप्यूटर हैज़ बेसिक पार्ट्स सच एज सी पी यू मॉनिटर की बोर्ड माउस एंड सी पी यू बॉक्स ये बेसिक है इनके बिना कंप्यूटर का पार्ट्स पूरे नहीं होंगे अ मोनिटर शोज द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर मोनिटर क्या दिखाता है जो काम हो गया है कंप्यूटर में वो दिखाता है ये फ्लिं ब्लैंस आ सकता है डैश शोज द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर अ कीबोर्ड हैज मेनी कीज एंड यूज फॉर टाइपिंग कीबोर्ड के पास बहुत सारे कीज होते हैं और इस्तेमाल होता है टाइप करने के लिए अ माउस इज यूज टू पॉइंट एट द थिंग्स ऑन द कंप्यूटर माउस इस्तेमाल होता है पॉइंट करने में चीज़ों को कंप्यूटर में पॉइंट करने के लिए जैसे मैं पेन से पॉइंट कर रही हूँ उसी तरह माउस क्या करते हैं चीजों को पॉइंट करने में मदद करता है एडिशनल पार्ट्स सच एज प्रिंटर स्पीकर जॉयस्टिक एट्सरा कैन ऑल्सो भी अटैच टू द कंप्यूटर कंप्यूटर के साथ ये सब भी लगाया जा सकता है एडिशनल पार्ट्स है ये सब अ प्रिंटर प्रिंट्स द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर ऑन पेपर एक प्रिंटर क्या करता है कंप्यूटर में कंप्यूटर में जो काम किया गया है वो पेपर में प्रिंट करके देता है स्पीकर एंड हेडफोन्स हेल्प अस टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड स्पीकर और हेडफोन साउंड सुनने में और म्यूजिक सुनने में मदद करता है अब चैप्टर इज फिनिश्ड टिल देन लर्न दिस चैप्टर केयरफुली बाय बाय थैंक यू